आप आम खाते हैं? बिल्कुल। काट के खाते हैं? चूस के? चूस के खाने। तो जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए वो कैसे रास्ते से गुजरना, कैसी उन लोग को मेहनत करना पड़ेगा और कैसा उन लोग रहना पड़ेगा, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। और बचपने के कुछ यादगार शरारतें जो सामना करते ना भाई, जाते आते किसी के बाला खींच के भाग गए, किसी को बंडा मार डाले, किसी के घर पे खटका मार के भाग गए, तो ऐसा आप भी करें ना? खाली हम लोग का बचपन ऐसा था? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतना प्राइस में, अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी आ गया, पैसे भी आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा सा मुख्तसर इंटरव्यू करे थे और आप उसमें बोले थे कि पैरा खींच रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप ऐसे मुकाम पे पहुंच गए, अच्छे अच्छों के पैरा खींच ले रहे, आप गीटा उड़ा दे रहे अच्छे अच्छों के। अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूँ, उनसे तारुफ कराने वाला हूँ, उनकी जिंदगी के कई सारे रहस्य आपके सामने लाने वाला हूँ, जिन्होंने हैदराबाद ही नहीं, तेलंगाना ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। और मैं समझता हूँ आज ये जो बाप कलाम हमारे साथ करेंगे, जो गुफ्तगू करेंगे, ये एक एक इनके अल्फाज एक इंस्पिरेशन होगी आजकल की यंग जनरेशन के लिए और आने वाले कई पीढ़ियों के लिए। एक फिल्म का मशहूर डायलॉग है जो आजकल रील पे फेसबुकों पे दबा के चल रहा, ये सिर्फ नाम नहीं एक ब्रांड है बोल के। तो मैं समझता हूँ ये डायलॉग इनको दिमाग में रख के लिखे होंगे, ये सिर्फ नाम नहीं एक ब्रांड है। आजकल बच्चे से लेके बुढ़े तक, बच्ची से लेके बुढ़ियों तक, हर किसी के जबान पे इनका ही नाम है। आपकी जोरदार तालियों में स्वागत करिए मोहम्मद सिराज द राइजिंग स्टार। वालेकुम सलाम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया भाई। और पहले तो मैं भूल गया आपको देखते ही क्या बात करूंगी। क्यों ऐसा? आपकी जो चेहरे की चमक है माशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह। तो आज मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करूंगा जो आपके चाहने वाले आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा आपके बचपन से, स्टार्टिंग से लिखेंगे। तो बचपन में आपकी पैदाइश कहां पर हुई, आपकी पैदाइश की तारीख क्या है और बचपन में आप कैसे थे? बचपन में मेरे, मैं तो लकड़ियापुर में पैदा हुआ था और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13th March 1994। काफी यंग है। काफी यंग है अभी तो। और बचपन में तो मैं तो बहुत ही ज्यादा मोटा था। अच्छा। मैं समझ सकता हूँ मेरी एज 12 तक भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मोटा था। अच्छा अच्छा। उसके बाद जैसा मैं फजलन सर आया फिर ईदगाह में आना स्टार्ट किया। अच्छा। वहाँ से पूरी फिटनेस में आना स्टार्ट हो गया। अच्छा अच्छा। तो ये जो एकदम स्लिम हो गया आप, इसका राज क्या जरा बताना था मेरे को भी। लोग कमेंट कर रहे वीडियो में, भाई मोटे हो जा रहे मोटे हो जा रहे कहते, तो ये दुबले होने का राज क्या है? फिटनेस रनिंग। अच्छा माशाल्लाह। तो बचपने की जब पर अपनी बात हुई तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बचपने में आप कैसे थे और बचपने के कुछ यादगार शरारतें जो सामना करते ना भाई, जाते आते किसी के बाला खींच के भाग गए, किसी को बंडा मार डाले, किसी के घर पे खटका मार के भाग गए, तो ऐसा आप भी करें ना? खाली हम लोग का बचपन ऐसा था? बिल्कुल भाई, वो तो बचपने में करते रहते थे, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा था बचपन का, मतलब आज भी याद करे तो मिस होता, हंसी आ जाती। अरे क्या करा था मैं बचपन में उनके। बेशक। तो कोई एक यादगार कुछ किस्सा याद है आपको बचपन का, जो शरारत करे थे आप और पकड़े गए थे या नहीं पकड़े गए थे? याद तो नहीं है भाई, कुछ ना कुछ याद आता भाई, आप छुपाने की कोशिश कर रहे। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं आप छुपा रहे, आप कहीं उन लोगों को मालूम हो जाएगा वो शरारत आप कर रहे थे उनके, इसलिए छुपा रहे शायद आप। नहीं नहीं भैया, बस कभी कुछ कभी मतलब घर में शरारत कर दिए, कुछ तोड़ के भाई के ऊपर इल्जाम डाल दिए, अरे मैंने करा बोल के अम्मी को बोल डाले, कभी अब्बा से छुपा दिए कुछ करके? हाँ बिल्कुल, ये तो एक बार हुआ था किस्सा जी, कि हम लोग गली में क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। तो बाजू बिल्डिंग का आईना फूट गया था। हाँ। तो हमारे भाई के नाम पे आया था। तो करे आप थे खिस्सा? हाँ। तो बाजू वाले कौन है भाई साहब? आप लोग आज राज खुल गया इनका। तो पहली बार आपको ये कब महसूस हुआ कि मैं क्रिकेट में जाऊं, क्रिकेटर बनूं, या बॉलिंग में आप
एक नाम कमा सकते, एक ये मुकाम पे पहुंच सकते। और पहली बार क्रिकेट का शौक कब लगा? मैं क्रिकेट का शौक तो हमें बचपन से था, मेरे को कि मुझे ऐसा नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, ये बस मेरे पास जुनून था कि बस मैं जाके खेलूं और इंजॉय करूं वो चीज़ को 100%। जो भी मतलब टेनिस बॉल भी खेलता हूं तो उधर 100% एफर्ट देना, मतलब अभी शूज वूज आए, पहले तो चप्पल पे खेलते थे, नंगे पैर डाल के बॉलिंग डालना था। नहीं ये तो माशाल्लाह, सॉरी मैं आपकी बात को रोक दिया कि आपके बारे में मैं एक बात और बोलना भूल गया ऑडियंस को, कि ये एक ऐसे इंसान हैं और एक ऐसे उभरते हुए एक सितारे हैं कि जिन्होंने बिल्कुल नीचे से आकर के अपने माँ बाप के दुआओं से, अपनी मेहनत, लगन, कॉन्फिडेंस और जी जान कोशिश कर कर आज ये मुकाम पे पहुंचे। तो सॉरी सर, प्लीज आप कंटिन्यू करिए। तो मैं तो कभी सोचा नहीं था कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनूंगा और ये तक भी नहीं सोचा कि मैं स्टेट लेवल खेलूंगा। बस मैं ये सोचता था कि कौन भी हंसी के कपड़े पहने तो यार मेरे को भी पहनने का बहुत शौक था, मतलब हंसी का लोगों तो वो ये ख्वाहिश थी कि पहनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मुकाम पे कि हर कोई, हर नौजवान के उस पर मेरा नाम है और इतना तरक्की मिली, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अच्छा तो आप आम खाते? बिल्कुल। अच्छा, काट के खाते? चूस के? चूस के खाने। नहीं थोड़ा टॉपिक से हटके थोड़ा मैं ये बात कर रहा था, तो मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पहली बार आप रांची में जब सेलेक्ट हुए या रांची की टीम में गए, रांची खेले, तो पहली बार आपका सिलेक्शन कैसा हुआ, वहां तक पहुंचे कैसा और उसका एक्सपीरियंस कैसा था और उसका परफॉर्मेंस कैसा था? पहले तो मैं टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था, फिर उसके बाद में मुझे चार मीनार सीसी में ज्वाइन हुआ मैं वनडे, पहले मामा के इसमें ज्वाइन हुआ वनडे, तो वहां पर जाके मतलब एक ही इनिंग में 9 विकेट लिया था, तो मामा जब 500 रुपये देते, बहुत बड़ी बात थी वो 500। तो फिर उसके बाद वैसी खेलते खेलते थोड़ा मतलब के आस हुई कि अरे मैं अच्छा खेल सकता हूँ, वहाँ पे आपको लगा कि मैं एक क्रिकेटर बन सकता हूँ, मतलब मैं ये सोचता कि अरे जो भी खेलूंगा मतलब जुनून से खेलूंगा, ये सोचता, मैं ये नहीं सोचता कि अरे मेरे को इंडिया खेलना है, बस जो भी खेल, अगर वो चीज मैं सोचता था मेरे परफॉर्मेंस नहीं होता था कि प्रेशर आ जाता था आंग में, मतलब वो चीज नहीं हो पाती थी। मतलब पहले से आप एक टारगेट नहीं रखे, मतलब जहाँ किस्मत लिख जाए मैं इसमें फील्ड में जो है अपना जी जान लगाऊंगा, ऊपर वाले की मेहरबानी रही, अल्लाह का करम रहा तो मैं आगे निकल जाऊंगा, ये आपकी सोच थी। अच्छा भाई और एक बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ टॉपिक से हटके, अभी हैदराबादी हैदराबादी में इंटरव्यू चल रहा था, मजा आ रहा है, कैसा दिख रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही काफी मजा आ रहा है। तो उसके बाद मैं पूछना चाहूंगा, जहां से आपको फेम बहुत दबा के जब मतलब पब्लिक की नजर में आप आ गए, सारे इंडिया की नजर जब आप पे पड़ी, तो वो टाइम था पहली बार जब आप आईपीएल में सेलेक्ट हुए, तो आपके आईपीएल में सेलेक्ट होने का सफर कैसा था, कैसा आप आईपीएल में सेलेक्ट हुए और आपको क्या उम्मीद, जैसा कि आप बताए कि मेरे को एक उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने बड़ा लेवल का प्लेयर बनूंगा बल्कि, तो पहली बार आप आईपीएल में जब गए तो आपकी लाइन कैसा बनी और आपको जो है एक्सपीरियंस कैसा था और आप कैसा महसूस करें? 2016-17 रणजी ट्रॉफी था मेरा, वो सेकेंड ईयर था, मतलब जब मेरा रणजी ट्रॉफी डेब्यू हुआ था उसमें मैं एक ही विकेट लिया था तो उतना परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, तब मुझे 2016 में जब रणजी ट्रॉफी तो थोड़ा मतलब जुनून आया कि मैं आगे जा सकता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ और T20 में भी अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा, तो अरुण सर थे, जब भरत अरुण सर अभी भी वो इंडिया के बॉलिंग कोच है, तो उन्होंने बोला था कि तू आईपीएल में सेलेक्ट हो जाएगा, टेंशन मत ले। तो जिस दिन सिलेक्शन था और हमारे आईपीएल का सिलेक्शन था और उस दिन हैसीए में प्रैक्टिस थी रंजीत की, तो उस दिन सर ने बोले मना कर दिया मुझे कि तू रेस्ट कर, इंजॉय कर जाके, क्यों उनको पता था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, तो मैं एक सरप्राइज देना चाह रहे थे। हाँ तो लंच तक मेरा नाम नहीं आया था, तो मैं उनको दम पे दम कॉल कर रहा था, क्या हुआ सर अभी तक, हुआ सर अभी तक नहीं आया क्या, तो भी हमारा नाम नहीं आया बोल के, आ जाएंगे टेंशन न कर ले बोल के। तो जब लंच हुआ था तो मैं ऐसी बाहर मतलब थोड़ा अपसेट हो गया, मतलब अरे नाम अभी तक नहीं आया, थोड़ा मलाल हो गया, आपने हैदराबादी में बोला अरे इसकी तो क्या करे वासी भी हमारा नाम नहीं आया क्या बोले, तो बाहर निकल गया था। फिर उसके बाद मैं शाहरुख के जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है मैं उसी के घर चले गया था। अच्छा, उसके घर पे जाके मैं हमारे घर पे देख रहा था, फिर उसके बाद मैं शाहरुख के घर पे चले गया, उधर जाके जरा मतलब यहाँ पर अगर मेरा नाम नहीं आया तो मैं डिप्रेशन में मतलब घर वालों के सामने नहीं जा रहा, ये भी कहीं ना कहीं आपकी एक सोच थी होगी। फिर जाके मैं उनसे टाइम पास कर लेते ऐसी देख ले रहा था, तो उतने में नाम आते जैसा लेटा था एकदम उठ के बैठ गया मेरा नाम। आपका रिएक्शन कैसा था?
मतलब 10 सेकंड का रिएक्शन था, एक बार आप रिएक्शन करके बताना। मतलब एकदम शॉक। अच्छा। जैसा नाम आते कि फिर उसके बाद 10 सेकंड तो कोई हाथ नहीं उठाया, ठंडे पड़ गए जैसा हमारे हैदराबाद में बोलते, एकदम ठंडा पड़ गया भाई, यार कोई नाम नहीं उठाया, इतनी मेहनत कर अभी तक नाम नहीं आया, बोलके सोचने पड़ा। जैसा एक जना हाथ उठाते कि मैं ठीक है हो गया सिलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बोल के अपने, अब बैटिंग का तो अपने को उतना पैसों का था वो भी नहीं था कि अपने को इतना प्राइज में, बस मुझे सिलेक्शन था और इंडिया में मेरी एबिलिटी को मेरे को बताना था और जो भी है मैं शो करना था मेरी चीज़ को, बस वही था मेरा फोकस, पैसों का उतना नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतना प्राइज में, अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी आ गया पैसे भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट मेरा सवाल ये है, उसके बाद आप एक स्टेप और फॉरवर्ड हुए, सॉरी उससे पहले मैं आईपीएल के बारे में बताना चाहूँगा कि जब आईपीएल में आप सेलेक्ट हुए तो आपका नाम पूरी दुनिया में हो गया। जी बिल्कुल। और सब लोगों के जबान पे एक ही नाम था, मोहम्मद सिराज। जहाँ पर मेरे को याद है कि जो एरिए से आप बिलोंग करते वहाँ पर आपके बहुत करीबी दोस्ता हैं कोई, तो उन लोगों एक मैदान में इतनी बड़ी कुछ LED TV लगाए थे और पूरे लोगों को जमा कर रहे थे, आज सिराज खेलने वाले, पहली बार आप जब IPL खेले थे तो वहाँ पे जाके मैं भी थोड़ी बहुत मिमिक्री करके सिराज सिराज बोल के हम लोग पूरे बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो वो जो टाइम था, एक प्राउड मोमेंट था कि मतलब हमारे साथ रहने वाले या हमारे करीबी लोग जो है या फिर हमारे करीब रहने वाले एक इतने बड़े मुकाम पे चले गए, वो जो एक प्राउड मोमेंट रहता है वो एक प्राउड मोमेंट था। तो उसके बाद नेक्स्ट मेरा सवाल ये है कि उसके बाद आप सेलेक्ट हुए इंडिया ए टीम में, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था, उसका सिलेक्शन कैसा हुआ? उसका सिलेक्शन जैसा IPL में मेरा परफॉर्मेंस हुआ, 6 मैचों में 10 विकेट लिया था मैं, तो वही परफॉर्मेंस से मुझे इंडिया का सिलेक्शन हुआ था। तीन मतलब वनडे में भी और टेस्ट में भी, वो साउथ अफ्रीका का टूर था, वो पहला टूर था मेरा जी। तो वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस था, राहुल सर ने मुझे अच्छा कॉन्फिडेंट भी दिए थे वो टाइम पे। मतलब पहला मैच खेला था मैं, 3 विकेट लिया था वनडे में। मतलब राहुल सर का ये रहता कि हर किसी को मौका मिले, हर किसी यंगस्टर को चांस मिले, आगे बढ़े, यंग लोग आगे आए, आगे बढ़े। तो बहुत ही अच्छा मजा आया साउथ अफ्रीका में भी जाए। मतलब आपकी फीलिंग कैसी थी कि मतलब इंडिया ए टीम में मैं सेलेक्ट हो गया? मतलब वो लोगों की टी शर्ट पहनना मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो वही एक्सपीरियंस कैसा था वो? अब हमला तो पहने ने हम आपको मालूम नहीं, आप पहने माशाल्लाह, तो आपकी जो अंदर की फीलिंग थी वो क्या थी? मतलब वो फीलिंग को तो इजहार नहीं कर सकते, बस दिल में ही रह सकती है। मतलब वो पहन के जो सेटिस्फाई मिलता है वो चीज की अनबिलीवेबल। उसके बाद आपके माँ बाप की दुआ से, आपके सभी चाहने वालों के सपोर्ट से और आपकी मेहनत लगन से आप एक स्टेप और फॉरवर्ड हुए और उसके बाद सेलेक्ट हुए आप इंडिया टीम में। और टेस्ट मैच आप जो हाल ही में अभी हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें आप कई सारे रिकॉर्ड भी बना दिए, IPL में भी कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए। तो जब इंडिया टीम के लिए आप सेलेक्ट हो गए और ये टेस्ट मैच है, इसकी जर्नी थोड़ी सी आप बताएं तो और अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल बताएंगे आपको। जैसे वनडे और T20 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मतलब एकदम मैं वो चीज़ को नर्वस हो गया था। मतलब मैं इंडिया खेल रहा हूँ, मतलब इतना क्राउड है, मतलब मैं ज़्यादा प्रेशर वो चीज़ अपने उसमें डाल लिया था। मतलब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब फिर जैसे मैं IPL में और इंडिया के मैचेस खेलता था मैं अपने आप को वही, अब जाके मुझे समझ में आया कि वो चीज़ कैसा प्रेशर को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अपन कितना वो चीज़ को लेके चलना है। तो वही जाके मुझे ऑस्ट्रेलिया में कॉन्फिडेंट। अच्छा, और एक बात याद है आपको, एक बार आप IPL खेल के फर्स्ट आए थे तो हम लोग एक छोटा सा मुख्तसर इंटरव्यू करे थे और आप उसमें बोले थे कि पैरा खींच रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप ऐसे मुकाम पे पहुंच गए, अच्छे छोंगे पैरा खींच ले रहे, आप विकेट उड़ा दे रहे अच्छे छोंगे। तो उससे लेके इतना जो आपके अंदर चेंजेस आया, जो कॉन्फिडेंस आया, उसका थोड़ा आप तफसीली तौर पे बताएंगे मुशायरा। बिल्कुल, क्यों बोले तो वनडे और T20 मेरा उतना अच्छा भी नहीं गया था और इंडिया के लिए मैं अच्छा करना चाहता था, वर्ल्ड में से नहीं हुआ वो। मतलब मुझे 4 चांसेस मिले, वो चीज़ को मैं अडॉप्ट नहीं करा अपॉर्चुनिटी को, तो काफ़ी तकलीफ हुई वो चीज़ मेरे लिए। फिर भी मैं उम्मीद नहीं हारा वो चीज़ पे, मतलब मेहनत करता, और ये जो लॉकडाउन आया उसमें काफ़ी मेहनत किया वो चीज़ में, मतलब बॉलिंग में भी और अपने फिटनेस में भी। और फिर उसके बाद ये IPL में अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पे इतना बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ, तो वो चीज़। और आप एक इंसानियत की मिसाल भी बहुत बड़ी इतनी पेश करे हैं, इसमें हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, सारी दुनिया के लोग आपके दीवाने हो गए। जब किसी बैट्समैन को एक
कुछ चोट लगी, बॉल वगैरह लगा, तो आप पहले बैट छोड़ दिए, रन लेना छोड़ के पहले जाके आप इंसानियत का मुजाहरा करें और उसको पूछे कि कैसा है। तो वो आप जो काम करे हैं, सैल्यूट है आपके वास्ते। वो तो दिल से आया भाई, मतलब वो सोचा नहीं था, मैं रन का भी वो चीज में सोचा नहीं कि रन भी दी, मैं डायरेक्ट बॉलर के पास, मैं जब जो उसको मार लगा तो वो चीज मुझसे देखा नहीं गया, मैं डायरेक्ट। बिल्कुल, ये चीजें तो ब्लड में होती है, ये सिखाने से या कोई बोलने से तो नहीं आ सकता है। ये इसके आप अंदर कैसे इंसान है ये पब्लिक को मालूम हो गया कि सिराज मोहम्मद सिराज अंदर से कैसे इंसान है। और उसके बाद कुछ एक कंट्रोवर्सी भी हुई ऑस्ट्रेलिया में आपकी, लेकिन आप उसका बहुत अच्छा, मतलब कोई रिएक्ट नहीं करके, किसी को ना गलत बात बोल के, ना किसी को कुछ, कोई गलत नहीं कमेंट करते, वो भी आप एक जो मिसाल पेश करें, तो उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, मतलब जैसे इंडिया में भी बहुत सारे लोग थे कि मुझे बोलते थे कि ऑस्ट्रेलिया में इतना बिजी होता है, ये होता है, मतलब मैं वो चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं, जैसा अब मुझे ऐसा, मेरे ऊपर भी वो चीज़ भी थी, तो मुझे भी पता चला कि ये चीज़ फैक्ट ये होता है ऑस्ट्रेलिया में, तो कम ही जाके डायरेक्ट अपने कैप्टन को बोला कि ऐसी चीज़ मेरे साथ हो रही, तो वही अंपायर को फिर हम लोग बोले, तो अंपायर ने बोला कि आप लोग ग्राउंड छोड़ के जा सकते, तो जैसे हमारे कैप्टन अज्जू भाई ने मुझे अंपायर को बोला, हम लोग क्यों जाए, हम लोग तो क्रिकेट की रेस्पेक्ट करते हैं, हम लोग यहाँ पर खेलने आए, इसीलिए हम यहाँ रुके हुए, तो वो लोग, तो वो लोग को भेजा, हम लोग क्यों जाए बोले, फिर उन लोग के, उन लोग को भेजाए, फिर उन लोग के ऊपर केस किया। अब आप आईपीएल खेल लिए, आप इंडिया ए टीम खेल लिए, अब आप एक इंडिया के प्लेयर हैं, आप इंटरनेशनल प्लेयर बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर का एक ही सपना होता है कि वर्ल्ड कप लेके आना है, तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है, इसके बारे में आप क्या तैयारी करने वाले हैं? और इंशाल्लाह हमारी तो अल्लाह से दुआ है, और कई सारे लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की आपके साथ दुआ है, वर्ल्ड कप को लेके आप कितने तैयारियां करें, और वर्ल्ड कप को लेके आप कितने एक्साइटेड हैं, और फ्यूचर में आप वर्ल्ड कप क्या खेलेंगे, हम लोग आपको क्या वर्ल्ड कप में देखेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल, क्यों बोले तो जैसा अभी हम लोग की ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज थी उसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस के बाद जो कॉन्फिडेंस मिला अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब यहाँ पर मुझे रिलैक्स नहीं होना, यही जो मुझे परफॉर्मेंस है वो उसको आगे लेके जाऊँ, वही कॉन्फिडेंस है। मैं अभी नेक्स्ट सीरीज है, कल मैं निकल रहा हूँ चेन्नई के लिए, मतलब इंग्लैंड सीरीज है, तो वही वहाँ पर जाके यही जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला वही वहाँ जाके मैं करूँ, तो इंशाल्लाह वो चीज़ के ऊपर मैं फोकस ना करूँ तो बेटर रहेगा। अगर वो चीज़ सोचूंगा तो मैं वर्ल्ड कप के लिए, तो मेरे ऊपर प्रेशर भी रहेगा कि मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा, तो वही है कि मेरा एम जो मैच टू मैच है मैं उसी के ऊपर फोकस करूँगा। और बहुत ही बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत तारीफ की, तो उसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हरदीप, जैसे वो गॉड ऑफ क्रिकेट है, उनने मुझे कमेंट करा ये चीज़ पे, तो बहुत ही खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखते थे होंगे सचिन साहब को खेलते हुए, और सचिन साहब आपके बारे में बोल रहे थे, एक अलग ही आपका एक... बिल्कुल, उनका वेट करते थे कि सेंचुरी मारने का उनका, अब वो ही कमेंट करे तो बहुत ही कॉन्फिडेंट की बात है जी, बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। अब थोड़ा सा करीब आएंगे अपन हल्लो हल्लो करके। अब आप ये बताइए कि जैसा कि आप मेरे को स्टार्टिंग में बताया बचपन की लाइफ के बारे में और अपने करियर के बारे में, तो आप मेरे को ये बताइए कि पहले की आपकी जो लाइफ थी आईपीएल खेलने से पहले और अब की लाइफ, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, और क्या लोगों में चेंजेस देखते हैं आप, और क्या ज़िंदगी में चेंजेस देखते हैं, और आपके नज़रिए में क्या चेंजेस दिखता आप? पहले जैसे कि जिधर बोले उधर जा सकते थे, जिधर बोले उधर फिर सकते थे, मतलब उतना, मतलब जिधर भी जाए मतलब लोग आते, चौरस्ते पर ठहर के पानी पूरी खा लिए, जाके शौरमा खा लिए रस्ते पर बैठ के चाय पी, अब वो ऐसा नहीं है, मतलब एक वो चीज आ गई अपने, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत दी, इतने लोगों ने मुझे इतना प्यार बांटा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज को बरकरार रखना है, मतलब अलग ही खुशी होती है, जिधर भी जाए अपने लोग जो मोहब्बत देते तो बहुत ही अच्छा लगता है वो चीज। तो पहले के सारे चीजें आप मिस करते? बिल्कुल जरूर, दोस्ताना हो, पहले का जैसा फिर ना हो, बिल्कुल, मतलब हमेशा मैं कभी भी मैं आउट ऑफ टूर जाता हूँ, फिर कभी भी आता हूँ मैं डायरेक्ट अपने ईदगाह को जाके, मतलब सुकून दिखता है। ये तो आपकी बहुत बहुत निराली और बहुत अच्छी बात है ये कि आप, इसका मैं आगे सवाल है मेरे पास, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जैसा कि आप ईदगाह की बात करें, तो वही मेरा अगला सवाल वही है कि जैसा आपके पहले पुराने दोस्त थे, पुराने यार थे, जो आपके साथ क्रिकेट खेलते थे या आपके साथ बचपना गुजारे या आपके साथ वक्त गुजारे,
क्या आज भी वो लोग आपके साथ वैसे ही उन लोगों का दोस्ताना है या नहीं, कुछ चेंजेस आए उन लोगों में या आप में कुछ चेंजेस आए? नहीं नहीं बिल्कुल, आज भी वही इंसान है, आज भी वैसे दोस्त है, ना कोई बदलाव। वही कहाँ पट्टे तू पहले के सर कहीं? बिल्कुल आज भी उन लोगों के साथ ही रहता हूँ, आज भी उनसे हंसी मजाक जिधर भी जाऊँ उन लोगों के साथ ही रहता हूँ। उन लोगों को जो एक प्राउड मिलता होगा कि अरे भाई हमारे साथ के हमारे दोस्त है, वो बोलने में बहुत एक गर्व होता। बिल्कुल। तो आप आज भी उन लोगों के साथ टच में बातचीत वही पहले के साथ कैसे? कुछ भी चेंजेस नहीं है। पक्का कुर्सी जल जाती झूठ बोल रहे भाई? कुछ भी चेंजेस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर मैं थोड़ा आपके फेवरेट थिंग्स के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले आपका फेवरेट खाना क्या है, पसंदीदा खाना? मैं तो पसंद, मतलब लोग सोचते हैं कि हैदराबाद रहते हो हैदराबादी बिरयानी, मतलब मुझे तो उतना पसंद नहीं है बिरयानी। मैं कभी भी घर पे आया तो खिचड़ी खीमे के लिए बोलता हूँ। तो आपका फेवरेट खिचड़ी है? खिचड़ी खीमा। खट्टा भी चल जाता अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छी। क्या बात है, खिचड़ी खीमा खट्टा आप लोग आप याद रख लीजिए। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन और ब्लू। ग्रीन और ब्लू दो कैसा होते सब? दोनों मिला तो येल्लो हो जाता शायद? नहीं येल्लो नहीं होता, ब्राउन होता। अच्छा दो फेवरेट कलर है आपके, ग्रीन और येल्लो। ब्लू। ब्लू सॉरी मैं परेशान दिख रहा हूँ आज। ग्रीन और ब्लू। फिल्मा देखते आप? जी बिल्कुल। कैसे टाइप की फिल्मा पसंद है आप? एक्शन फिल्मा, कॉमेडी फिल्मा या? एक्शन। एक्शन। तो फेवरेट फिल्म कौन सी आप? मेरी फेवरेट मूवी KGF अभी जो आई। KGF क्या बात है? अभी वेटिंग कर रहा हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का क्या बात है, सेकंड पार्ट का वेटिंग में मोहम्मद सिराज साहब भी है देखिए साहब। फेवरेट गाना कौन सा आपका? मुझे सैड सॉन्ग बहुत पसंद है भाई। फेवरेट कौन सा सबसे ज्यादा? दिल ऐसा किसी ऐसा कुछ कोई एक पर्टिकुलर गाना? मिले हो तुम हमको बड़े नसीब हो। ये सैड सॉन्ग का है साहब? ये सैड सॉन्ग ही से है। सैड से ही है। अब उन्हें मिल गई बात से सैड कहां से होता? नहीं मिली तो सैड होता। मतलब मुझे मोटिवेट मिलता है ऐसे सॉन्ग सुनने। मिले हो तुम हमको बड़े नसीब हो से, फिर कोई मिले नहीं मिले आपको? मिल गए। अच्छा उसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। फेवरेट प्लेयर कौन से आपके? मेरे फेवरेट एक ही से भाई, मैंने ओनली विराट कोहली। विराट कोहली जी, अंदाजा था मेरे को लेकिन फिर भी आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। जानवर पसंद है आपको, पालतू जानवर? अच्छा बिल्ली ऐसा कुछ भी नहीं, पर्शियन। तो अब आप, मैं सुना ये अंदर की बात है, अपनी अपनी बात दूसरों को नहीं जाना ये बात, आप जब टेंशन में रहते हैं या कुछ ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, कुछ रिलैक्स होना चाहते तो नूर भाई के वीडियोस देखते करते, सही है ये? जी बिल्कुल, हंसी मजाक जो वो आप लोग जो लोगों को मोटिवेट करते हंसाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब अभी जो बबल की लाइफ है उसमें काफ़ी टाइम पास हो जाता है ये वीडियो देख के, तो ऐसे आप लोग कंटिन्यू रखो भाई। थैंक यू, ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि इतने बड़े इंडिया के प्लेयर हमारे वीडियोस देखते। कुछ बोलते क्या हमारे वीडियोस के बारे में? कैमरा बाद में एडिटिंग कर लेके बाद में शेयर कर ले सकते ऐसा बोलते भाई है, हमारे साथ है नूर भाई, जो इनके जो वीडियोस है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे और जो मोटिवेट मिलते हैं, जो अभी जो चल रहा है वो चीज़ के ऊपर लोग वीडियो बना के एक मैसेज पहुंचाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और जो लोग में हंसाते अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हंसाते रहे और ऐसी मैसेज देखते रहो, बोलिए शेयर करो और देखते रहिए। शहबाज खान यूट्यूब चैनल, शहबाज खान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हाँ तो चलिए अब नेक्स्ट दो तीन सवाल आंसर हो जाता, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका। अब जैसा कि अभी बात हुई गाने के ऊपर, मिले हमको नसीबों से और मिल गई भी बोल के बोले आप जी, तो पूरे को कब मिलेंगे, मतलब मेरा मतलब घर को कब लाएंगे, शादी कब होंगी आपकी, शादी के बारे में आप बताइए। कई सारे लोग आज जानना चाह रहे हो, और जब आप इंटरव्यू में बोल दिए रसम हो गया बोल के, कई सारे बच्चियों का दिल टूट गया। और पहले जो आपको दो ढाई लाख मैसेजेस आते थे, थोड़े डिवाइड हो गए, दूसरे लोगों को आ जा रहे अरे भाई इनकी तो फिक्स हो गई बोल के, तो शादी कब करने का प्लान है आपका? भाई अभी तो कुछ प्लान नहीं है, अभी तो करियर स्टार्ट हुआ उसी के ऊपर फोकस है, तो इंशाल्लाह देख इसके ऊपर बाद में फोकस करेंगे। अच्छा हाँ, तो अब थोड़ा सा हंसी मजाक से हटके मैं थोड़ा सा एक पर्सनल आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हाल ही में आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ। हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, उनकी मगफिरत करे और उनके दर्जात को बुलंद करे। तो ऐसे मुश्किल वक्त में जब आप घर को भी नहीं आ सके, अपने वालिद साहब का आखिरी दीदार नहीं कर सके, और उसके अलावा
अपने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए जी जान लगा के मेहनत करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना दिए हैं, उसके बारे में अपना थोड़ा एक्सपीरियंस कि कितना मुश्किल वक्त होता है कि अपने वालिद साहब को, एक बाप को खोने के बाद सबसे ज़्यादा दुख औलाद को ही होता है बाप का, वो वक्त कैसा गुजरा आपका, कैसा आपकी फील थी उसके बारे में बताइए। काफ़ी डिफिकल्ट था भाई वो चीज़ मेरे लिए, क्योंकि मैं वो चीज़ ऑस्ट्रेलिया में हूँ मैं, और यहाँ पर ऐसा बहुत बड़ा हादसा मेरी लाइफ का जो लॉस हुआ मेरी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ थी वो चीज़, मैं मेंटली बहुत ही डिप्रेस हो गया था, वो चीज़ मेंटली टूट गया था वो चीज़ से, बट जो डैड का ड्रीम था मैं वही पूरा करने रुक गया था। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से आज वो पूरा ड्रीम पूरा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, और उनकी मगफिरत करे, उनको जन्नत में आला से आला मुकाम करे। बिल्कुल, आपके वालिद साहब से मेरी भी बहुत बार मुलाकात हुई, बचपने से हम देखते थे उनको, बहुत ही खुश मिजाज, हंसने बोलने वाले और खुले दिल के इंसान थे, और पर्सनली मैं ये महसूस करा कि मेरे को बहुत पसंद करते थे, जब भी मैं मिलता था अरे आपके क्या वीडियो रहते हैं मियाँ, तुम्हारे क्या वीडियो रहते, बहुत तारीफ़ करते थे, तो अल्लाह उनकी मगफिरत करे। तो अब मेरा अगला जो सवाल है वो आज की जनरेशन के लिए है, या जो कोई भी इस फील्ड में आना चाहता है, या जो कोई भी बॉलर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, तो उनके लिए आप एक यूथ आइकॉन बने हुए हैं, एक राइजिंग सन है, आपको कई सारे टाइटल्स मिले, तो जो लोग इस फील्ड में आना चाहते, जिनको कई सारे, आप भी एक माशाल्लाह एक इतने बड़े मुकाम पर है, लेकिन आप एक छोटे से जगह से आके अपनी मेहनत से, अपने बड़ों की दुआओं से, अपनी सच्ची लगन से आप ये मुकाम पर आए, तो आपको लोग भी वैसे मिलते गए और आप कारवां बनता गया, तो जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए वो कैसे रास्ते से गुजरना, कैसी उन लोग को मेहनत करना पड़ेगा और कैसा उन लोग रहना पड़ेगा, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। मैं तो यही सोचता हूँ कि जो भी आप लाइफ में करना चाह रहे, मतलब टू बी हॉनेस्ट रख के करना चाहिए, अपने आप को चीट ना करे तो बेटर रहेगा, अपने आप को मतलब जैसा भी सोच रहे हैं मतलब आगे 100% जुनून रहना चाहिए अपने आंग में, वही चीज़ अपने को सक्सेस का सोचेंगे तो आप मतलब अपने आप से वो सक्सेस नहीं मिली तो अपन टूट जाते, वो चीज़ अपन अभी मतलब वो जुनून रख के अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने लिए भी अच्छा रहेगा, अपन सोचेंगे कि अरे मुझे ये करना है, मत हाँ आपका है वो गोल ठीक है, अब जो अपने को करना है वो चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। बहुत अच्छी आप बात बोले यहाँ पे कि मैं सक्सेस मिलेंगी मेरे को या फेलियर होगा इसकी फिक्र नहीं करना है, जो आपका एम है, जो आपका गोल है, उसके पीछे जी जान लगा के मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। अब लास्ट में जाने से पहले चार मैसेजेस आपको देना है, सबसे पहले एक मैसेज वो कैमरा को देख के, इंडिया के सभी रहने वालों को, सभी हिंदुस्तानियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये मैसेज है कि भाई इंसान को सबसे बड़ा ये है कि हर इंसान की फिक्र करना ज़रूरी है बहुत, मतलब उसके अच्छे में काम में नहीं आए तो बुरे में काम में आना बहुत ज़रूरी है वो चीज़, तो वही बोलूँगा मैं अच्छे का मतलब हर किसी के दुख सुख में रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरा मैसेज आपके सपोर्टर्स को, जो आपको इतना सपोर्ट करे, आपके लिए दुआएं करे, आपके लिए चीयर अप करे, आपके लिए मतलब ये चाहते थे कि मोहम्मद सिराज भी एक मुकाम पे पहुंचना, तो उन सपोर्टर्स के लिए कुछ कहिए। मैं तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने आपने दुआ जो मुझे इतने बेस्ट विशेष दिए उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ऐसी मुझे दुआ देते रहे और ऐसी मुझे सपोर्ट करते रहे इंशाल्लाह ताला, मैं ऐसी जाऊँ इंशाल्लाह। अब एक मैसेज आपके सभी पुराने दोस्तों के वास्ते, कुछ भी खास पैगाम आप पहुँचाना चाह रहे तो कैमरे के थ्रू पहुँचा सकते हैं, या फिर जो टच में नहीं है या फिर कोई दूर चले गए। नहीं टच में तो पूरे है भाई, मतलब दोस्तों के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे आप? दोस्तों के लिए क्या मैसेज? फोन पे दे दे क्या? ग्रुप चैट में दे दे सकते। तो एक कोई मैसेज, कोई प्यारा सा मैसेज या कोई प्यारी बात, या लोग आपको जो मोटिवेट करे हैं उनके लिए थैंक्स अगर करना चाहे आप, तो वो कैमरे के जरिए आप अपने दोस्तों को कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे शारो साहब को थैंक यू कहना चाहूँगा जो मुझे मोटिवेट करते हैं हमेशा, मैं अगर मैं लेट सोया तो वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि जल्दी सोया करो, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, जो जो मैं ये सीढ़ी पे हूँ, जो मुझे मुकाम पे हो उसका भी हाथ है जो मुझे सपोर्ट करा इतना लाइफ में, तो थैंक यू बोलूँगा। ये बहुत बड़ी बात आप कर दी है, क्योंकि इंसान एक मुकाम पे आने के बाद
ये भूल जाता है या फिर वो बताना नहीं चाहता है कि मेरे को ये लोग सपोर्ट करें, तो ये आपकी बहुत ऑनेस्टी है, आपकी सच्चाई है। जिस तरह आपका दिल सच्चा है उस तरह आपके चेहरे पे भी आता, तो वो आप बहुत प्यारी बात करें। अब लास्ट में एक मैसेज अपनी फैमिली के लिए, आप कुछ प्यारा सा मैसेज। फैमिली ने तो हमेशा, मैं फैमिली के तो शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो मॉम ने मुझे इतना सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह, डैड भी मुझे इतना सपोर्ट किया, बट अभी ये फिलवक्त जो आकाश आज यहाँ रहते थे वो कितना प्राउड करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ वो चीज़, क्योंकि स्पीचलेस। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच, आप अपने इतने कीमती वक्त में से आप हमारे को वक्त दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर मैचेस के लिए बेस्ट ऑफ लक। हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। रात चौगनी इसलिए कि यहाँ पे रात रहा तो वहाँ पे दिन रहता, इसलिए रात चौगनी तरक्की दे। तो बहुत बहुत थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। उसमें बोले तो अच्छा रहेगा भाई, जब से नूरभाई के उसमें छू मैं भाई, ऐसा वो नहीं है। अच्छा, अरे पान वान है नहीं यार, जरा पान लाओ, सिराज साहब को पान खिलाएंगे। चलिए, फ्रेम में मत आओ बेटे, आप पान खाइए। जी नहीं, आप खाइए। सादा पान है साहब? नहीं नहीं, आप खाइए। अच्छा, पान नहीं खाते फिर कैसा रहते? अच्छा, पान नहीं खाने का राज है वो? जी मैं खाऊं? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। तो ये थे हमारे मोहम्मद सिराज, आप लोग भी इनके लिए दुआ करिए, सपोर्ट करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगली आवाज रहेंगी मोहम्मद सिराज साहब की, वो कैमरे में उन्होंने बोलेंगे शहबाज खान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अपनी राय दीजिए कमेंट के लिए, प्लीज। जी बिल्कुल भाई, जैसे शहबाज खान का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर सब्सक्राइब करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, पसंद करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे है, खैरियत से? आज मैं हूँ मोहम्मद सिराज के साथ, और बहुत खुशी मिलके एक से एक रिकॉर्डा बना दे रहे भाई, धूम मचा दे रहे। हर किसी की जबान पे सिर्फ एक ही नाम है, मोहम्मद सिराज। तो हम आपकी गुरपोशी करना चाह रहे हैं आपकी जानवर पर। बुके लाओ मियां, आज का ही शेर है, दूसरों की शादी में चला है। आपका शुक्रिया कि आप वक्त दिए, थैंक यू। एक दो फोटो बगैर फूलों के ले लो। ये हमारे इस्माइल भाई, चार मीनार वाले नहीं होते ये अलग इंटरनेशनल वाले हैं, मोहम्मद सिराज साहब के बड़े भाई इस्माइल भाई, बहुत बहुत मुबारक। और हम दुआ करते हैं कि जिस तरह सिराज साहब पूरे वर्ल्ड में अपना नाम करें, और भी ऐसे अपना नाम कमाते जाए और अपने नाम को बुलंद करते जाए। आपके वालिद साहब की जो दुआएं हैं, आपके वालदा की जो दुआएं उनके साथ है, ये हमेशा साथ रहे, हमारी दुआ है। शाल भी थी इनकी? हाँ लाओ, क्या मिल्ला उठवा लियो जी। अरे इनके नहीं लेते क्या?